पॉली बेसिक एसिड कौन से होते हैं जिन जो एक से ज्यादा एच प्लस दे, उनको पॉली बेसिक एसिड बोलते हैं। किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल एच प्लस, उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 में दो एच प्लस हैं जो आयोनाइज हो सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? टू। H2S है, इसमें से दो एच प्लस बाहर आ सकते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी है? टू है। HCl है, इसमें से एक ही एच प्लस आ सकता है, सो दिस इज मोनो बेसिक एसिड। नंबर ऑफ एच प्लस आयन जो एक एसिड दे सकता है पानी में, उसको उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। तो पॉली बेसिक एसिड मतलब एक से ज्यादा बेसिसिटी होगी उसकी, उनकी पीएच कैसे करनी है फाइंड, इसमें एक सिंपल सा रूल होता है। जो पॉली बेसिक एसिड होगा वो दो स्टेप में टूटेगा, दो या दो से ज्यादा स्टेप में टूटेगा। जैसे जैसे H2S है, H2S कैसे टूटेगा? पहले एक एच प्लस जाएगा, HS नेगेटिव और H+ बन गया, फिर HS नेगेटिव सल्फाइड और H+ में टूट जाएगा, दो स्टेप में टूटेगा। इसमें जो पहले स्टेप से H+ आता है वो मेजर होता है, दूसरे स्टेप से जो H+ आता है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि दूसरे स्टेप से बहुत कम आता है, पहले स्टेप से मेजरली आता है, ये रूल होता है इसमें। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ H2S इज 9.1 × 10⁻¹⁸। ये क्या बता रहा है पता है? ये फर्स्ट आयोनाइज कांस्टेंट मतलब H2S दो स्टेप में टूटता है ना, ये बताया मैंने, पहले ये टूटेगा, तो पहले स्टेप में जो टूटता है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ये दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS- आयन इन इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन। H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1 मोलर। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन में HS- आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये पूछा है। ओके, तो देखो ये है क्वेश्चन, समझो H2S है, ये टूट के HS- और H+ में टूट गया, तो ये पूछा है HS- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इस सोल्यूशन में, ये क्वेश्चन है, और इसका Ka1 दिया हुआ है। तो अब देखो डिसोसिएशन कैसे होगी ये समझते हैं। ये डिसोसिएशन ना दो स्टेप में होती है। देखो पहले H2S टूट जाएगा HS- और H+ में, फिर क्या होगा? HS- टूटेगा सल्फाइड और H+ में। इसका Ka2 गिवन है क्या क्वेश्चन में? 1.2 × 10⁻¹³। हाँ गिवन है। इफ सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज दिस, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। तो चलो सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं, HS- की पता करनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लगेगी, फिर से देखो ये दो स्टेप में टूट रहा है, H2S पहले HS- और H+ में टूट गया, फिर HS- फिर से H2- और H+ में टूट गया। ये पहले तो डिसोसिएशन समझ में आ गई नहीं आ गई, ये बताओ पहले आ गई? ओके, तो देखो शुरू शुरू में क्या था, इसके कितने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.1 थी ना। अगर ये एक्स टूट गया, अगर ये एक्स टूट गया, मैं यहां करता हूं, t=0 पे अभी ये टूटा नहीं था, ये 0.1 था, ये तो दोनों 0-0 ही थे। t=∞ पे जब टूट जाएगा, मान लो एक्स टूट गया, तो बचेगा कितना? 0.1 - x, ये कितना बनेगा? x, और ये कितना बनेगा? x बनेगा, ये बात समझ में आ गई? ओके, अब क्या है, देखो ये डिसोसिएशन बहुत कम होती है, आप Ka/C चेक करो, Ka/C चेक करो कितना है, K कितना है? 9.1 × 10⁻¹⁸। C कितना है? 0.1। तो Ka/C कितना आ रहा है? 9.1 × 10⁻¹⁷ आ रहा है, जो कि less than 25 × 10⁻⁴ है, यस और नो? तो अगर ऐसा हो जाता तो हम क्या करते हैं, इसकी डिसोसिएशन को निग्लेक्ट कर देते होते हैं, करते हैं ना इसका, मतलब 0.1 - x अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 0.1 के, मतलब ये टूटा ही नहीं, बहुत कम टूटा, ये 0.1 ही है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा ये एक्स है, ये एक्स है। अब क्या है भाई, HS- भी तो आगे टूटेगा, HS- देखो टूट जाएगा, मान लो वाई टूट गया, वो मान लो HS, मान लो वाई टूट गया, तो अगर वाई टूटा तो ये वाई बनेगा, और H+, देखो ये यहां मैं यहां तोड़ के दिखाता हूं, HS- जो है वो सल्फाइड और H+, जब वो HS- टूटा नहीं था सपोज, तो X था पहले, तो ये 0, H+ ड्यू टू HS- 0, ऐसे सॉल्यूशन में 0 नहीं है, बट HS- से जो H+ आ रहे हैं वो 0 है,
इक्वल टू इन्फिनिटी पे मान लो वाई टूट गया, तो एक्स माइनस वाई है वाई। अब क्या है, वाई बहुत कम होता है, ये डिसोसिएट बहुत कम होता है, इसलिए एक्स माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली एक्स के इक्वल है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एच एस माइनस की डिसोसिएशन बहुत कम होती है, ये बात समझ में आ गई। ये वाई बन गया सल्फाइड, अब एच प्लस कितना हो गया टोटल, एक्स यहाँ से आ गया वाई यहाँ से आ गया, तो टोटल सोल्यूशन में तो फिर यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, ये तो बस समझ में आ गई, सोल्यूशन तो सेम ही है ना ये, तो एच प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन एक्स प्लस वाई हो जाएगी, जो कि किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है, क्योंकि वाई तो एक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक्स, यहाँ पे यही लिखा है, एच प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन है तो एक्स प्लस वाई, लेकिन वो टोटल एक्स ही है, यहाँ पे देखो एक्स एक्स की एच प्लस की एक्स प्लस वाई लिखी हुई है, लेकिन वो किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप स्टेप से आ रहा है वही है, और ये एक्स माइनस वाई था ये अप्रोक्सीमेटली एक्स ही है, मतलब इसकी डिस्टोर्शन बहुत कम है, ये बात अगर समझ में आती तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, क्लियर है ये बात। चलो बस, अब तो फिर हो ही गया, देखो फर्स्ट स्टेप में ये 0.1 माइनस एक्स था जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 था, ये एक्स माइनस वाई जो कि अप्रोक्सीमेटली एक्स है, ये एक्स प्लस वाई जो कि अप्रोक्सीमेटली एक्स है, तो के ए वन क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 0.1 इतना आ जाएगा ना, तो बस सॉल्व कर लो एक्स आ जाएगा इससे, एक्स इतना आ गया, एक्स है क्या, एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन और एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो एच एस माइनस और एच प्लस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, समझ में आ गई बात, तो हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया सॉल्व, उसने एच एस माइनस की पूछी थी, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एस माइनस वन निकाल दिया, देखो फिर से बता रहा हूँ, फिर से जो बात याद रखनी है, जब भी पॉलीबेसिक एसिड का क्वेश्चन आता है तो वो एक से ज्यादा स्टेप में टूटेगा, आपने ये मानना है कि जो एच प्लस आएगा वो मेनली फर्स्ट स्टेप से ही आएगा, सब्सिक्वेंट स्टेप में जो डिसोसिएशन होती है वो बहुत कम होती है, ये अजम्पशन है बस, ठीक है ना बात। फिर से ये बात मैं रिपीट करता हूँ, इसी को एग्जाम्पल लेके, H2S दो स्टेप में टूट रहा था, HS माइनस और H प्लस, फिर HS माइनस फिर से टूट जाएगा सल्फाइड और H प्लस में, इसमें जो HS माइनस है वो मेनली फर्स्ट स्टेप से आएगा, सेकंड स्टेप में उसकी डिसोसिएशन बहुत नेग्लिजिबल होती है, और H प्लस मेनली फर्स्ट स्टेप से आएगा, ये बस अजम्पशन है और कुछ भी इसमें बात नहीं है, सल्फाइड की तो सेकंड स्टेप से ही आनी है, क्योंकि सल्फाइड तो प्लस फर्स्ट स्टेप में है ही नहीं, तो सल्फाइड निकालने के लिए आपको सेकंड स्टेप देखना पड़ेगा, एच प्लस और एच एस माइनस निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही देखना, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिर क्या है, फर्स्ट हमने कर दिया, हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ सोल्यूशन इज 0.1 मोलर इन एच सी एल ऑल्सो, मतलब सेम सोल्यूशन एच टू एस का 0.1 मोलर सेम सोल्यूशन है, आपने बाहर से इसमें 0.1 मोलर एच सी एल डाल दिया, अब क्या होगा, अब एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहा है, तो होगा क्या, देखो इस तरह से ये डिसोसिएशन हो रखी है, आप बाहर से एच सी एल डाले जा रहे हो, एच सी एल क्या करेगा, एच प्लस और सी एल माइनस अप्लाई करेगा, तो ये 0.1 मोलर है तो ये 0.1 मोलर ही हो जाएगा, मतलब एच प्लस की जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है वो एच सी एल से आ जाएगी, इनसे तो बहुत कम आने वाली है, तो टोटल एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर ही हो जाएगी, ये बात समझ में आ रही है ना, तो देखते हैं कैसे करना फिर। ओके अच्छा पहले ना अगला पार्ट देखते हैं, इफ द सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S इज दिस, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड अंडर बोथ कंडीशंस, दो कंडीशंस की बात कर रहा है, एक कंडीशन में तो उसने HCl नहीं डाला, दूसरे कंडीशन में HCl डाला है, दोनों केस में सल्फाइड की भी पूछी है उसने, ये सल्फाइड की भी बताओ, तो पहले अभी मैं HCl डाल नहीं रहा, बिना डाले सल्फाइड की निकाल दूं एक बार, पहले सल्फाइड की, अभी HCl बिना डाले सल्फाइड के निकालते हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्व पहले वो किया हुआ, देखो ये सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो एक्स माइनस वाई अप्रोक्सीमेटली एक्स था, ये वाई था और ये एक्स प्लस वाई टोटल एक्स था, एक्स तो आप सॉल्व कर ही चुके हो ना ऊपर, हाँ तो के ए टू क्या, एक्स तो वैसे कैंसिल ही हो गया, के ए टू क्या है, सल्फाइड इंटू एच प्लस डिवाइड बाई एच एस माइनस, सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन वाई है, एच प्लस की भी एक्स है और एच एस माइनस की भी एक्स है, और के ए टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वाई की वैल्यू इतनी आ गई, तो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, सिंपल सी, सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ सेकंड स्टेप से आएगी वाई, देखो कितना कम है, 1.2 × 10⁻¹३, बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम डिसोसिएशन हुई है, तो हमने जब एच सी एल नहीं डाला तब मैंने एच एस माइनस की भी निकाल दी कॉन्सेंट्रेशन, एच प्लस की भी निकाल दी और सल्फाइड की भी निकाल दी, ये मेनली फर्स्ट स्टेप से आएगा, ये मेनली फर्स्ट स्टेप से आएगा और ये सेकेंड स्टेप से, ये बात समझ में आ गई पॉलीबेसिक में।
अब हम देखते हैं कि जब आपने 0.1 मोलर HCl उसमें 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा। देखो, लेट ए मोलर H2S डिसोसिएट इन फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप एंड बी मोलर HS माइनस डिसोसिएट इन द सेकेंड डिसोसिएशन स्टेप। जब आपने तो अब टूटेगा तो अभी भी नहीं है H2S। देखो यहां पे H2S मान लो फर्स्ट स्टेप में ए मोलर टूट गया और HS माइनस सेकेंड में बी टूट गया। ये देखो HS माइनस बी टूट गया, तो अगर ये ए टूटा तो ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा है? ये 0.1 था पहले, ए टूट गया तो ये ए बन जाएगा ना, और ये भी ए बन जाएगा है ना। और मान लो ये बी टूट गया, ये फिर बी टूट गया, तो बचेगा कितना? ए माइनस बी। यहाँ पे देखो ए से ए माइनस बी बचा, बी टूट गया। लेकिन हम जानते हैं कि सेकंड स्टेप में डिसोसिएशन क्या होती है, बहुत बहुत कम होती है। सो ए माइनस बी अप्रोक्सीमेटली ए के इक्वल है, और फर्स्ट स्टेप में भी डिसोसिएशन इसकी बहुत कम है, वो हम पहले देख ही चुके हैं। तो 0.1 माइनस अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही है, और एच प्लस यहां से ए आएगा और बी कहां से आया? सेकेंड स्टेप से। ये बात समझ नहीं आई क्या? देखो H2S HS माइनस और HS में टूट रहा है, T इक्वल टू 0 पे कितना है ये? 0.1, ये 0, ये 0। T इक्वल टू इनफिनिटी ये कैसे टूटेगा? मान लेते हैं A टूट गया, अगर A टूटा तो A बना, ये A बना, अब क्या HS माइनस फिर से टूटेगा सल्फाइड और H प्लस में। तो जब ये नहीं टूटा था T इक्वल टू 0 पे, तो ये A था, ये 0, ये 0। टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे मान लेते हैं बी टूट गया, तो ए माइनस बी, ये बी, ये बी। अब एच प्लस टोटल कितना? ए यहां से आ गया, बी यहां से आ गया, तो टोटल ए प्लस बी हो जाएगा ना। अब ये क्या ए माइनस बी होगा, तो ये भी ए माइनस बी हो जाएगा ना, क्योंकि टूट गया अभी ये है। अब हम जानते हैं कि ए 0.1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, क्योंकि डिसोसिएशन इसकी बहुत कम हो रही है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 0.1 के। ए माइनस बी अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? ए के। ए प्लस बी ए के, है ना, ए माइनस बी ए के, बी तो बी ही है, ए प्लस बी ए के। दूसरी बात ये तो चलो हो गया, अब क्या है ना, आपने इसमें 0.1 मोलर HCl भी मिला रखा है, तो टोटल एच प्लस तो फिर 0.1 और ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। टोटल एच प्लस तो 0.1 और ऐड करना पड़ेगा ना आपको सोल्यूशन में, क्योंकि आपने बाहर से डाला है। तो ये फिर ए प्लस 0.1 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 के इक्वल ही हो जाएगा ना, ए प्लस 0.1 के। ये बात समझ में आ रही है सर इसमें नहीं ऐड करना किसमें? H-3. नहीं, आपने बाहर से HCl डाला है ना, आपने HS माइनस थोड़ी डाला बाहर से, आपने HCl डाला है सॉल्यूशन में, आपने 0.1 मोलर HCl डाला है, तो फिर इसलिए सिर्फ 0.1 H प्लस ही ऐड होगा ना। नहीं समझ रही बात है? इसलिए यहाँ पे लिखा है H प्लस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन A प्लस B प्लस 0.1। ये 0.1 कहाँ से है? आपने बाहर से HCl डाला है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही हो जाएगा, और HS माइनस A के इक्वल है, और ये 0.1, तो Ka1 क्या हो जाएगा? एच एस माइनस इंटू एच प्लस डिवाइड बाई एच टू एस। एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ए है, एच प्लस की 0.1 है, एच टू एस की भी 0.1 ही है, और के ए वन क्वेश्चन में गिवन ऐसे ए आ जाएगा, मतलब एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई। ये बात समझ में आ गई? देखो हुआ क्या है, पहले यहाँ पे सेकेंड केस में एच एस माइनस की कितनी है? 9.1 × 10⁻¹। फर्स्ट स्टेप में कितनी थी एच एस माइनस की? फर्स्ट स्टेप में 9.54 × 10⁵। कम किस में है? सेकंड स्टेप में कम है ना, -8 है सेकंड स्टेप में। देखो 9.54 × 10⁵ फर्स्ट स्टेप में इतनी है, सेकंड सेकंड में कितनी है? 9.1 × 10⁻¹। कम हो गया ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कम हुआ, क्योंकि आपने बाहर से एस प्लस डाल दिया तो इसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी। ये वाला इक्विलिब्रियम है ना, ये इक्विलिब्रियम है ना, इसमें आप बाहर से एस प्लस डाले जा रहे हो, बाहर से एस प्लस डाले जा रहे हो, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुकी है। ये हुआ है, समझ में आ गई बात? चलो एच एस माइनस की आ गई, अब सल्फाइड की निकालनी है बस, अब तो वही है ना। सल्फाइड में भी क्या, देखो एच एस माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ए है, सल्फाइड की बी मान लो, और एच प्लस की तो 0.1 ही है ना, एच प्लस की तो 0.1 ही है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो के ए टू क्या आ जाएगा? सल्फाइड इंटू एच प्लस डिवाइड बाई एच एस माइनस। सल्फाइड की बी है, एच प्लस की 0.1 है, एच एस माइनस की ए है। ए आप निकाल ही चुके हो, आ गया आंसर, सल्फाइड की इतनी आ गई। ठीक है बात?